कि एक तरफ जब मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी में नंबर दो पर आकर खड़ी हो गई, इथेनॉल में नंबर एक पर खड़ी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई। और एक राज्य आपने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक को दिया। आज कर्नाटक में फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बोलता है कि वी आर कमिंग टू ए डेड एंड, हम एक डेड एंड में आ रहे हैं, देयर इज नो फाइनेंस लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, कोई विकास के लिए काम के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। ये चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आप बताइए, आप वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? एक तरफ वो है जो बोलता है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, एक डेढ़ साल हुआ है ऐसी सरकार बने हुए, वहां का चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आपसे मैं आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉर्डर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉर्डर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है, और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, और घोटाले पे घोटाला होता है, इस तरीके की सरकार बनाती है।